वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। कोरोना वायरस मौतों की संख्या में बड़ी गिरावट, 24 घंटे में 1587 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है, इसके साथ ही मरने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड 19 के 62,480 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,97,62,793 हुई। 1,587 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,83,490 हो गई है। 88,977 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,85,80,647 हुई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,98,656 है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 32,59,003 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 26,89,60,399 हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 73 दिनों बाद कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 8 लाख से कम हुए। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.24% है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़।